वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आपके सामने। इस बार हम लोग को देखना है माइकोप्लाज्म के बारे में। तो माइकोप्लाज्म क्या है जो हम लोग देखेंगे, तो माइकोप्लाज्म सबसे पहले मैं बता दूं किस किंगडम में आता है, किस किंगडम में बिलोंग करता है। तो ये किंगडम मोनेरा में बिलोंग करता है और किंगडम मोनेरा के आपको यू बैक्टीरिया भाग में, आपको यू बैक्टीरिया में रखा गया है। ओके, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा क्या है। तो इससे बीमारियाँ भी होती है, तो यानी कि ये पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो सुनो, तो माइकोप्लाज्मा जैसे आप लोगों ने इवर नोन, आप लोग बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे कि सबसे छोटा जो लिविंग आपको जो ऑर्गेनिज्म है, सबसे जो छोटा आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपको क्या है, आपको माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकम है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म होता है प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से होता है, यानी कि प्ल्यूरो का मतलब सेप जो है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका सेप हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए प्ल्यूरो टर्म आता है। तो प्ल्यूरोमॉर्फिक आगे मैं बर्ड चर्चा करूँगा। न्यूमोनिया आपको जैसे खांसी से अलोंग, आपको जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलोंग, जैसे कि आपको बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, ये बीमारी है, न्यूमोनियल डिसऑर्डर है। तो आपको नेक्स्ट में लाइक मतलब कि जैसा ऑर्गेनिज्म है। तो माइकोप्लाज्म को हम लोग जनरली नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूटीज कहते हैं माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं और माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूटीज भी के नाम से जानते हैं। ओके, मॉलिक्यूटीज यानी कि मॉलिक्यूट्स। ओके, तो क्यूट्स नहीं कहेंगे, मॉलिक्यूटीज कहेंगे। अब आइए, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जनरली हम लोग जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा के बारे में डिस्कवर कौन किए। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले थे 1898 में, 1898 में दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नोकार्ड नाम था और रॉक्स था। क्या नाम था? नोकार्ड और रॉक्स दो आपको क्या थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में जनरली डिस्कवर किया था। लेकिन डिस्कवरी कहाँ पर किए थे? तो इन्होंने प्ल्यूरल जो फ्लूड आपको कोई कैटल था, सफ़र कर रहा था आपको निमोनिया से, उसमें उन्होंने देखा था, चेक किया था, तो उसमें नोकार्ड और रॉक्स को जानकारी मिली माइकोप्लाज्मा के बारे में। ओके, तो माइकोप्लाज्मा को आपको पीपीएलओ भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो कैसे लिखाता है? PLEURO, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आपको किसका फुल फॉर्म मैंने बताया, डैट इज PPLO का फुल फॉर्म मैंने बताया। ओके, तो डैट इज एक पॉइंट मैंने बताया कि नोकार्ड और रॉक्स ने आपको डिस्कवर किया 1898 में, आपको कैटल जो सफ़र कर रहा था उसके प्ल्यूरल फ्लूड यानी कि न्यूमोनियल प्ल्यूरल फ्लूड में आपको। ओके, आगे चलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को जो शेप है वो क्या होता है, हमेशा इन्वायरमेंट के प्रति चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा होगा उसको चाहिए, वो अपना डीएनए के कारण है ना, वो आपको उसमें के डीएनए में एक ऐसा प्रकृति होता है, नेचर होता है, जिसके कारण इन्वायरमेंट्स के प्रति वो अपने शेप को क्या कर लेता है, हमेशा चेंज कर लेता है। इसलिए इसको जोकर कहा जाता है, जोकर है ना, कभी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जोकर ऑफ इसको क्या कहा जाता है, डैट इज जोकर के नाम से जाना जाता है। और जनरली इसको प्लांट में रखा गया है, तो इसलिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जनरली हम लोग जानते हैं कि जो भी आपको क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें सेल वाल पाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें सेल वाल पाया नहीं जाता है। इसमें सेल वाल क्या होते हैं, दैट इज सेल वाल आपको क्या होता है, आपको अब्सेंट होता है, यानी कि माइनस एंटी का मतलब अब्सेंट होगा। सेल मेम्ब्रेन अगर देखोगे तो आगे की और सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन कितना लेयर का होगा, सेल मेम्ब्रेन आपको तीन लेयर का होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसे ट्राइलैमिलर के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, डैट इज ट्राइलैमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइलैमिलर के नाम से। तो आइए, यहाँ पर ये जो है, ये जो लेयर है आपको जो देख रहे हैं, ये आपको सेल मेम्ब्रेन का लेयर है। तो डैट इज सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आपको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, बायो मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो माइकोप्लाज्मा कहाँ पर पाई जाएगी, आप माइकोप्लाज्मा को कहाँ पर देखोगे, तो जनरली आप सॉइल में देखोगे, जैसे कि गंदे पानी में देखोगे, जहाँ पर उस पानी में किसी मटेरियल से सॉलिड है,
यानी कि सीवेज में देखोगे जनरली, ओके। तो और प्लांट में भी देखोगे, किसी किसी एनिमल्स में भी देखोगे, काफ़ी छोटे होते हैं। तो छोटे होते हैं तो आपको कितना साइज होता है, तो साइज इनका जनरली काफ़ी कम होता है, 0.1 से लेकर के 0.15 आपको, दैट इज माइक्रोमीटर में इनका होता है सेप, ओके। माइक्रोमीटर में सेप होता आपको साइज होता है, साइज का मतलब डायमेंशन होता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, यानी कि मैंने साइज देखा, अब इसका सेप देखते हैं, साइज के बाद इसका क्या सेप, सेप तो मैंने अभी बताया, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्ल्यूरो, प्ल्यूरो का मतलब प्ल्यूमॉर्फिक, सेप क्या है प्ल्यूरोमॉर्फिक, यानी कि इसका कोई से एक सेप नहीं है, ये हमेशा इन्वायरमेंट के प्रति क्या होते रहता है, इसका सेप चेंज होते रहता है, ओके। इसीलिए वैसे सेप को क्या कहते हैं, प्ल्यूमॉर्फिक सेप कहते हैं, ओके। अगर हम लोग इसको कल्चर करें, कल्चर का मतलब जब इसका हम लोग मात्रा बढ़ाएं कहीं पर, ओके, कहीं पर एक ही जगह पर रखें, तो क्या होगा, एक जगह पर काफ़ी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना, तो जैसे हम लोग अंडा को भूंज देते हैं, फ्राई कर देते हैं, तो उसी फ्राई अंडे के जैसे क्या लगेगा, दैट इज माइकोप्लाज्मा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो दैट इज फ्राइड एग के जैसा आपको माइकोप्लाज्मा रहेगा जनरली। नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो यानी कि कल्चर अगर करेंगे, कल्चर तो ये आपको फ्राइड भुंजा हुआ एग जैसा एक अपियरेंस देगा, ओके। अगर देखें ये कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, स्टैनिंग करते हैं तो कोई भी ग्राम है, ग्राम एक साइंटिस्ट थे, डायनेस के रहने वाले थे, वो क्रिस्टल वायलेट को दे करके आपको मॉडरेंट डिकोलराइजिंग करके प्रोसेस करके आपको जब वो कलर दे देता था आपको क्या वायलेट, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाता था। अगर नहीं देता था तो जनरली वो क्या कहलाता था, ग्राम निगेटिव कहलाता था। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपको कलरलेस देते थे, और जब डिकोलराइजिंग करते थे तो वो पिंक और रेड देते थे। तो ये आपको डैट इज जो स्टैनिंग है, ये कैसा बैक्टीरिया है, आपको स्टैनिंग के अकॉर्डिंग डैट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ओके। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे की हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, तो डैट इज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए, इस जो सेप है ये आपको माइकोप्लाज्मा का जो सेप है जो देख रहे हैं, तो इसमें डीएनए ये देखो ये काफ़ी लंबा जैसा इलोंगेटेड है, काफ़ी सर्कुलर है, तो ये डीएनए है, और इसमें छोटा छोटा जो देख रहे हो ये ब्लैक वाला, ये आपको आरएनए है, ओके। तो यानी कि इसमें डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल पर देखें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल आपको दोनों पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल मतलब आपको इसमें डीएनए भी है और आपको क्या है, डीएनए एंड आरएनए दोनों पाया जाएगा, डीएनए और आरएनए दोनों आपको क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ओके, दोनों, यानी कि डीएनए एंड आरएनए बोथ प्लस का मतलब प्रेजेंट, माइनस एंटी का मतलब एब्सेंट, ओके। नेक्स्ट में अगर आगे की ओर बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन की ओर देखते हैं, यानी कि इसका क्या न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एनी ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, और हेटरोट्रॉफिक में आपको न्यूट्रिशन जो होता है आपको ये ऑर्गेनिज्म का हेटरोट्रॉफिक आपको न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉफिक में आपको क्या होता है, पैरासिटिक होता है, यानी कि दूसरे के बॉडी पर रहता है आपको किसी होस्ट में, या तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है या तो आपको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हम लोग वो कहते हैं किसी भी मटेरियल्स को सड़ा गला देता है और उसको ऑर्गेनिक में चेंज करने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो दोनों है, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा क्या है, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ओके, कैजुअली ये आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं जैसे कि सेल डिवीज़न कैसे करेगा, तो सेल डिवीज़न ये आपको जनरली आपको दैट इज बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा, क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होगा आपको, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन आपको क्रॉस करते हुए आपको ए माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आपको होगा, ओके, आपको। नेक्स्ट में अगर देखें
रिप्रोडक्शन क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन आपका जनरली क्या होगा, इसमें एसेक्सुअली होगा, यानी कि विदाउट सेक्स ऑर्गन के कारण होगा। और एसेक्सुअली में आपको किसके कारण होगा, डैट इज एलिमेंट्री बॉडीज के कारण होगा। ओके, तो एलिमेंट्री बॉडीज के कारण होगा, एलिमेंट्री बॉडीज हम लोग जानते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में बॉडी होगा उसके थ्रू होगा। नेक्स्ट में आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शंस की बात मैंने की, अगर इसमें राइबोसोम का कंटेंट देखना है तो राइबोसोम कितना होगा, तो राइबोसोम ये आपको ऑर्गेनिज प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम कितना होता है, 70S होता है या 80S होता है, तो उसके शेप पर डिपेंड करता है, तो यानी कि इसमें 70S होगा। तो देखो इसमें राइबोसोम, देखो यह है आपको ये सब आपको क्या है, डैट इज राइबोसोम है। इसमें ग्रैन्यूल्स वगैरह भी होंगे प्रेजेंट, तो जैसे देखिए ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट हैं। ओके, इंजाइम वगैरह भी प्रेजेंट रहेंगे, जैसे देखो पार्टिकुलर इंजाइम मैंने कहीं कहीं पर दिया होगा, छोटा छोटा इंजाइम दिया होगा, आपको लेबलिंग में भी इंजाइम्स लिखा हुआ होगा, है ना, देखो इंजाइम है। जैसे प्रोटीन का पार्टिकल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आगे आओ, तो राइबोसोम मैंने बता ही दिया। रिप्लिकेटिंग डिस्क, रिप्लिकेशन किसके जैसा होता है, डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये आपको प्रोकैरियोटिक के जैसा होते हैं, है ना, ये सिर्फ आर्की बैक्टीरिया में यूकैरियोट के जैसा होता है, इसमें आपको क्या होता है, डैट इज प्रोकैरियोट के जैसा होता है। नेक्स्ट में अगर हम लोग सेंसिटिविटी देखें, सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, किस कौन सा सेंसिटिविटी मैं बात कर रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स की खोज के बारे में आप एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, 1928 में डिस्कवर किया था, और आपको आगे जा करके 1945 के एलॉन्ग लगभग उन्होंने क्या किया, अब अमेरिका में क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो एंटीबायोटिक काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, इसलिए नोबेल प्राइज़ भी उनको मिला। ओके, तो अगर देखते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स की, तो ये अगर किस पर वर्क करेगा, जैसे माइकोप्लाज्मा है, डिसऑर्डर हो चुका है किसी में, अगर हम लोग कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो किस पर सेंसिटिविटी होगा, किस पर वर्क करेगा, यानी कि कौन एंटीबायोटिक्स इस पर वर्क करेगा, कौन एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सेंसिटिविटी, एंटीबायोटिक जो सेंसिटिविटी होती है, ये पेनिसिलिन पर आपको ये वर्क नहीं करती है, आपको माइकोप्लाज्मा। ओके, तो पेनिसिलिन पर आपको नॉन सेंसिटिव होती है, लेकिन आपको डैट इज़ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये सब पर क्या होती है, सेंसिटिव होती है। ओके, तो डैट इज पेनिसिलिन पर आपको नहीं होगा, पेनिसिलिन पर नहीं होगा, टेरामाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन टेरामाइसिन बैक्टीरियल है, इस पर बहुत सेंसिटिव होगा। ओके, डैट इज मेरा ये कहना था। ओके, इसमें तो यानी कि सेल वाल नहीं है, डैट इज मैंने ये बताया, तो इसका शेप हमेशा जनरली क्या होता रहता है, और हमेशा इसका जनरली शेप जो है चेंज होता रहता है। ओके, इस तरीके से आगे की ओर अगर देखते हैं, तो ये जो सेल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो सेल जो है नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करता, तो यानी कि सेल इसका क्या होगा, डैट इज नॉन मोटाइल। अगर माइकोप्लाज्मा का अगर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं तो लिख लीजिएगा इसका, है ना, पॉज करके लिख लेना है। जैसे माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल, तो माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम आप लोग कहते होंगे, सबसे छोटा आपको क्या था, बैक्टीरिया था, तो ये तो बैक्टीरिया ही है, यू बैक्टीरिया है, तो ये माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकम, इसी को क्या कहते हो, पीपी हेलो जनरली कहते हो, है ना, कहते थे, क्योंकि इसमें भी माइकोप्लाज्म है, तो इसको भी कहते हैं माइकोप्लाज्म, जो भी हो पीपी लो ही कहते हैं, या तो हम लोग मॉलिक्यूटीज कहते हैं। ओके, या तो दूसरा है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म लैड लैबी। ओके, हमेशा जब भी देखते हैं लिखते हैं साइंटिफिक नेम, तो इस तरीके से प्रिंटेड राइटिंग में लिखते हैं, कर्सिव में नहीं लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके,
इसको हम लोग इस तरीके से माइकोप्लाज्मा लिख रहे थे, किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखा रहेगा, एम डॉट करके लिखा रहेगा। ओके लैड लैबी, सबसे छोटा ये है, पहले आप जानते थे कि ये है लेकिन ये है। ओके कहाँ रहेगा पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा लैड लैबी का होगा। ओके नेक्स्ट में माइकोप्लाज्मा के कारण डिसऑर्डर किसमें होता है, तो जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर का मतलब बीमारी होता है यानी कि डिजीज होता है, क्या होता है डिजीज, इसके कारण बीमारी प्लांट में भी होता है, प्लांट डिजीज भी होता है, आपको एनिमल में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। देखता हूँ हम लोग देखते हैं कौन कौन आपको प्लांट में होता है। प्लांट में आपको एक जो बीमारी होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल का जो लीफ होता है काफ़ी छोटा छोटा हो जाता है, इसके कारण ब्रिंजल का लीफ क्या हो जाता है, काफ़ी छोटा छोटा होता है। नेक्स्ट में आस्टर येलो, ये आपका आस्टर येलो जनरली कैरोट में होता है, गाजर में होता है, जब गाजर देखे होगे पीला वाला गाजर, ओके तो ये जो गाजर है तो कोनिकल होता है गाजर, मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हो, तो इस पर क्या होता है एकदम ब्लैकिस अस्कार जैसा रहता है, तो ऐसा अगर बीमारी है तो उसे आस्टर येलो कहते हैं। ओके सी बीचेज ब्रूम क्या है कि जैसे कि मान लो एक प्लांट का जैसे तना है, स्टीम है, ट्रंकिस है, उसमें काफ़ी ब्रांचेज है, क्या है ब्रांचेज है, जो भी इस ब्रांच पर जो पत्ते थे किसी कारण से सूख गए बीमारी के कारण, वो भी माइकोप्लाज्मा के कारण, और सब पत्ते क्या हो गए इस तरीके से इकट्ठा हो गए। ओके तो ये कैसा दिखने लगेगा, झाड़ू के जैसा दिखने लगेगा, झाड़ू के जैसा, तो इस बीमारी को बीचेज ब्रूम कहते हैं, क्या कहते हैं बीचेज ब्रूम। डी नंबर है आपको बीमारी है बूची टॉप ऑफ पपाया, से बंकी टॉप ऑफ पपाया भी कहते हैं। ओके जैसे पपाया का जो लीफ होता है वो लीफ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, पीला पीला हो जाता है। ओके तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं बंकी टॉप ऑफ पपाया कहते हैं। अब हम लोग जो बीमारी जो देखते हैं किसमें, आपको एनिमल डिजीज में जनरली देखते हैं आपको, तो एनिमल डिजीज में जो हम लोग को जो देखना है जैसे प्लूरो निमोनिया इन कैटल से, प्लूरो निमोनिया इन कैटल्स, दूसरा है आपको इन्फ्लामेशन ऑफ जेनिटालिस। ओके जेनिटालिस क्या होता है जो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आइए प्लूरो निमोनिया, निमोनिया जैसे डिप्लोकोकस के कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, तो माइकोप्लाज्मा जो है तो सेप जो चेंज कर देता है आपको, कैटल्स में ये बीमारी होती है तो प्लूरो निमोनिया कहा जाता है, जैसे ह्यूमन में भी निमोनिया होता है आपको माइकोप्लाज्मा के कारण, तो ह्यूमन आपको कहा जाता है डैट इज़ एटिपिकल कहा जाता है। जेनिटाइल्स का मतलब उनमें जो आप रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उसे जेनिटाइल्स कहा जाता है, वो हमेशा फूल जाते हैं, इन्फ्लामेट कर जाते हैं। ओके नेक्स्ट में ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज देखते हैं, ह्यूमन डिजीज में एक है निमोनिया है, निमोनिया है, और दूसरा जो है आपको इनफर्टिलिटी है, ये निमोनिया अलग है, एक दूसरा निमोनिया पढ़ते हो है ना, तो डैट इज निमोनिया, ये प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया है।
आपको निमोनिया ही जैसा लक्षण देता है, लेकिन ये होता है माइकोप्लाज्मा का कारण। दूसरा जो बीमारी है ये आपको इनफर्टिलिटी, यानी कि स्पर्म सेल ओभा ये सब नहीं बनेगा आपको, किसमें? मेन में, मेल में, ओके, फीमेल में नहीं। तो डैट इज ये माइकोप्लाज्मा मैंने बताया, कुछ देख लेता हूँ कंटेंट, कुछ छूट गया है ना। एक है कि लाइफ साइकिल कैसा होता है। ये लाइफ साइकिल अगर देखें तो लाइफ साइकिल जनरली क्या होता है, ये ऑक्सीजन के अब्सेंट में आपको वर्क करता है। तो एरोब होगा या एनएरोब? एनएरोब होगा, लेकिन ये पार्शियली वर्क करता है। तो पार्शियली यानी कि ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव, यानी कि फैकल्टेटिव, यानी कि ये इसको कहेंगे फैकल्टेटिव एंड एरोब्स करते हैं। तो ये पार्शियली क्या करते हैं, ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहता है तभी इसका लाइफ चलता है। ये मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में जनरली मैंने डिस्कस किया, ओके। तो इस तरीके से आपका ये ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ, ओके। तो हमेशा ध्यान देना है इसका सेप फिल्योमॉर्फिक होता है, इसमें सेल वाल एब्सेंट होता है, ओके। तो 70S राइबोसोम जनरली होते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद हम लोग और बाकी आगे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। और मानो ट्यूटोरियल्स विशाल सर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे। और जो भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस आप वीडियोस को हमें बनाने की सलाह दीजिए। थैंक यू।